हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टेकीजे में। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि हम लोग बगी वेब जो पेनिट्रेशन टेस्टिंग के लिए हमारा एक वेब एप्लीकेशन है, उसको हम लोग अपने लोकल होस्ट सर्वर पे वैम्प या जैम्प पे कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें अपने गूगल के पेज पर जाना है और वहाँ पर हमें बगी वेब यहाँ पर सर्च कर लेना है। हमें डाउनलोड बगी वेब सर्च कर लेंगे, डाउनलोड बी वेब, तो ये है बी वेब। यहाँ पे हम लोग सर्च कर लेंगे सिंपली। उसके बाद हम लोग जाएंगे यहाँ पे sourcebook.net पे और यहाँ से हम लोग यहाँ पे बेसिकली आईटी सेक गेम का एक प्रोडक्ट है, कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे हम लोग डाउनलोड पे क्लिक करेंगे और हमारा लेटेस्ट वर्जन जो है डाउनलोड हो जाएगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, आप लोग अपने जो यदि विंडोज यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे विंडोज डिफेंडर को ऑफ कर देना है, नहीं तो ये डाउनलोड नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे बग होते हैं जिसके वजह से ये इसको एज ए वायरस ट्रीट करता है। फ्रेंड, यहाँ पे मैंने पहले भी डाउनलोड किया है, तो मैं फिर से क्लिक कर दिया डाउनलोड पे, यहाँ पे फिर से डाउनलोड हो जाएगा, देखता हूँ, कैंसिल कर देता हूँ मैं इसे। तो फ्रेंड, बहुत जल्दी डाउनलोड हो जाता है क्योंकि बहुत छोटा सा है, 14 MB का ही है मात्र। तो डाउनलोड हो गया मेरा, तो मैं इसे फिर से ओपन कर लेता हूँ और यहाँ पे हम लोग अपने डाउनलोड फोल्डर में जाते हैं। यहाँ पे गया मैं डाउनलोड्स में गया और यहाँ पे सर्च के लिए मैंने अपना जो बगी वेब है उसको यहाँ पे बी, तो यहाँ पे आ गया हमारा। अब इसको हम लोग ओपन कर लेते हैं एक्सप्लोरर के हेल्प से, या आपके पास कोई भी एक्सट्रैक्टर है उसके हेल्प से एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो मैं विंडोज एक्सप्लोरर को प्रेफर करता हूँ। यहाँ पे ओपन कर लेंगे हम लोग और उसे सिंपली ओपन करने के बाद यहाँ पे इसको बी वेब वाले जो फोल्डर है इसको हमें कॉपी कर लेना है। कॉपी कर लेने के बाद हमें अपना वैम सर्वर या जैम सर्वर जो भी है ओपन करना है और उसके रूट डायरेक्टरी में, जैसे कि वैम सर्वर में हमारा www डायरेक्टरी जो होता है रूट डायरेक्टरी होता है, और जो हमारा यदि आप जैम सर्वर यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको stdocs में इसको जो मैंने कॉपी किया है अभी उसको ओपन करना है और यहाँ पे पेस्ट कर देना है हमें अपने www डायरेक्टरी के अंदर। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया है फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे होगा कहीं। हाँ, तो यहाँ पे है बगी वेब, तो मैंने इसे पहले से ही पेस्ट करके रखा है यहाँ पे, आप लोग यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे इसे। तो यहाँ पे जैसे ही आप लोग पेस्ट कर लेंगे इसको ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद आप लोग यहाँ पे जाएंगे एडमिन के अंदर। एडमिन के अंदर जाने के बाद आप लोग को setting.php को ओपन करना है। आप लोग जो भी नोट पैड एडिटर, मैं नोटपैड प्लस प्लस को से ओपन कर लेता हूँ इसे। और ओपन करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पे आपने जो पहले से यदि अपने लोकल होस्ट पे जो भी यूजर नेम और पासवर्ड बनाया है अपने SQL डेटाबेस के लिए, यहाँ पे उसको एंटर करना है। मेरे केस में यहाँ पे मेरा जो यूजर नेम है रूट है और पासवर्ड मैंने कुछ नहीं डाला है, और डेटाबेस का नाम VWAP नाम से क्रिएट करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स, इतना करने के बाद अब हम लोग को जैसे जनरल इंस्टॉलेशन करते हैं और प्रोजेक्ट का, वैसे नहीं करना है फ्रेंड्स। अब यहाँ पे हम लोग को जाना है install.php पे। यहाँ पे हम लोग अपने ब्राउजर को ओपन कर लेंगे और यहाँ पे हमें डालना होगा लोकल होस्ट, यहाँ पे लोकल होस्ट, और फिर यहाँ पे स्लैश देके बी अपने प्रोजेक्ट का नाम। तो यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट का नाम दे दिया और install.php, तो इसको हम लोग बी वेब install.php यहाँ पे देख लेना है फ्रेंड्स। localhost.bwebinstall.php को हम लोग URL में करना है, सर्च इंजन में कर देंगे तो ये तो नीचे आ जाएगा ना। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग इसको URL में करते हैं। तो यहाँ पे मैं इसे, तो यहाँ पे localhost.bwebinstall.php इंटर करते हैं, तो यहाँ पे हमारा जो पेज है ओपन हो जाएगा, इंस्टॉलेशन पेज। तो यहाँ से अभी हमें क्लिक हियर टू इंस्टॉल बी वेब, यहाँ पर तो क्लिक हियर करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक हियर, तो यहाँ पे हम लोग क्लिक कर देते हैं और हमने क्लिक हियर कर दिया है। अब यहाँ पे दे रहा है बगी वेब हैज बीन इंस्टॉल्ड सक्सेसफुली, तो हम लोग देख लेते हैं अपने डेटाबेस में, क्या हमारे डेटाबेस में इसकी एंट्री हो चुकी है। तो हम लोग जाते हैं यहाँ पे PHP माई एडमिन में और अपने डेटाबेस को ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं क्या बगी वेब नाम से कोई बना है। हाँ, तो फ्रेंड्स, यहाँ पे बगी वेब मतलब बी वेब नाम का एक जो है हमारा जो डेटाबेस है वो क्रिएट हो गया है, जिसमें कि डिफॉल्ट जो यूजर्स वगैरह भी होंगे
यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए फ्रेंड्स, जैसे फायर टेबल जो बने, न्यू ब्लॉग, हीरोज, मूवीज, यूजर, विजिटर्स, और इसके अंदर जो भी उसके बन कॉन्फ़िगरेशन टेबल के से रिलेटेड थे वो भी हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। तो यहाँ पे बेसिक स्कीमा हमारे टेबल का तैयार हो गया है। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपने बग्यू ऐप को क्या यहाँ से ओपन कर पा रहे हैं अपने लोकल होस्ट से। तो यहाँ पे हम लोग जाएंगे अपने लोकल होस्ट पे, लोकल होस्ट के होम पेज पे, और यहाँ पे हम लोग बग्यू ऐप को ओपन करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा जो बग्यू ऐप है वो यहाँ पे ओपन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम लोग यहाँ पे लॉगिन आईडी जो इसका होता है, डिफॉल्ट होता है, वो होता है बी। तो हो गया इसका डिफॉल्ट लॉगिन आईडी, और पासवर्ड जो होता है बग होता है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम लोग लॉगिन होते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हम लोग लॉगिन हो चुके हैं, तो इसे हमें अच्छे से सेव नहीं करना है। यहाँ से इस तरीके से हम लोग जो है अपने पिंटरेस्ट टेस्टिंग के लिए एक इन्वायरमेंट सेटअप करना चाहते हैं यदि आप लोग, तो इसमें लगभग बहुत सारे हमारे जो बॉक्स होते हैं, तो हम लोग यहाँ से अपना वर्कशीट की मदद से इसकी टेस्टिंग कर पाएंगे। तो आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि वर्कशीट की हेल्प से इस पर कैसे हम लोग टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं। बेसिकली इसमें बहुत सारे बग हैं जिसकी लिस्ट इसमें दिया हुआ है, यदि आप लोग पढ़ेंगे तो यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा इसमें कौन कौन सारे बग हैं। तो यहाँ पे readme.md इसका हम लोग ओपन कर लेते हैं, और यहाँ पे एक मैं आपको डीमो के तौर पे बता देता हूँ कि इसमें कौन कौन से बग की हम लोग जो है टेस्टिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हमने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे जो वल्नरेबिलिटीज हैं इसको हम लोग यहाँ से फाइंड कर सकते हैं जो कि इसमें है। तो यहाँ पे इंजेक्शन वल्नरेबिलिटी लाइक SQL का हो गया, SSI हो गया, XML हो गया, JSON का हो गया, LDAP हो गया, HTML, iframe, ऑपरेटिंग सिस्टम कमांड एंड SMTP इंजेक्शंस। तो बेसिकली जितने भी इंजेक्शन है, जैसे स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज का हो गया, स्टैंडर्ड मार्कअप लैंग्वेज का हो गया, JSON का हो गया, और LDAP का हो गया, HTML का हो गया, ये सब बहुत सारे इंजेक्शन की जो है वल्नरेबिलिटीज है। उसमें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग और क्रॉस साइट ट्रैकिंग और क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉर्जरी भी इसमें जो है CSRF जिसे कहते हैं वो सब वल्नरेबिलिटीज है। और इसमें बहुत सारे वल्नरेबिलिटीज है जैसे ड्रुपल, SQL इंजेक्शन, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन का वल्नरेबिलिटीज, लोकल एंड रिमोट फाइल इंक्लूड, LFI एंड RFI वल्नरेबिलिटीज, SMA XSC वल्नरेबिलिटीज, OpenSSL का है, CGS, ड्रुपल। तो बहुत सारे जो वल्नरेबिलिटीज है इसमें ऑलरेडी लिस्टेड है जिसको कि हम लोग टेस्ट करेंगे अपने वर्कस्वीट प्रो के हेल्प से। तो हम लोग बेसिकली इस वीडियो में इतना ही देखेंगे कि कैसे हम लोगों ने इंस्टॉल किया है अपने जो है बग्यू ऐप को अपने लोकल होस्ट सर्वर पे फॉर द पर्पस टेस्टिंग। तो यहाँ पे हम लोग सारे इन्वायरमेंट सेटअप कर चुके हैं। अब हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे कि हम लोग कैसे एक एक जो भी वल्नरेबिलिटीज है उसका टेस्टिंग कैसे करते हैं बाई यूजिंग द वर्कशीट प्रो। यहाँ पे वर्कशीट प्रो मेरा ओपन है, तो हम लोग देखेंगे। ऑलरेडी मैंने पिछले वीडियो में बता दिया है कि कैसे हम लोग इंटरसेप्ट वगैरह करते हैं, तो आप लोग पिछला वीडियो मेरा देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसे लाइक करिएगा, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।